हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। एक छोटा सा काम कर रहे थे और एक डुअल डेकर बना रहे थे। देखे बताइएगा कैसा है ऊपर का। अभी सिर्फ रैम रैम लगाया है, ये देखिए सर। ठीक है, तो ये हमने अभी सिर्फ रैम रैम लगाया है और सीपीयू लगाया है, रैम लगाना है। अब रैम इसकी है, अब हम इसकी रैम लगाएंगे। फिर डुअल डेकर है, अभी तो नॉर्मल है हमारे, तो अधिकतर 90% सारे स्टूडेंट कर ही रहे हैं और जो हमारे कोर्स करके जाते हैं वो सारे स्टूडेंट हमारे इसको अटेंड करते हैं और उसके बाद में हमारे पास आके इसको खुद लाइव बनाते हैं। क्या ये कर रहे थे तो एमडी सर थे हमारे, वो कह रहे थे कि सर कुछ नॉलेज लोगों के साथ शेयर करो। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये डुअल डेकर हुआ है कि नहीं हुआ, इसका जजमेंट कैसे करेंगे। तो मैं कहता हूँ डीसी रीडिंग से भी मत करो, तो पोर्ट बनाओ। ये देखो, पहले देख लो इसका, यहाँ पर दूर से दिखाई। जी सर, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। जी सर, तो सीपीयू अभी लगा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं, अगर ये पोर्ट बना लेता है और पोर्ट बनाएगा यूएसबी नॉट रिकग्नाइज्ड, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो सीपीयू है वो कनेक्टेड है, मतलब इसको रैम चाहिए। ये देखो खाली ये लगाना है, बैटरी नहीं लगाना। यहाँ पर थोड़ा दिखाओ, देखिएगा। अब ठीक है, देख रहा है, अब हम मैं इसको लगाऊंगा। नोटिस करो, बस बस टच मत करो, नोटिस करो। ये देखो अब आ जाइए और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये यूएसबी नॉट रिकग्नाइज यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हिल गया, देखिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो मेरा पोर्ट बन रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा अब रैम चाहिए। ठीक है, वो तो हम लगा देंगे, बट अब कई बार क्या होता है कि लोग रैम लगाते हैं फिर उनकी हाई बूटिंग चली जाती है। तो कई बार क्या होता है, वो रैम लगाते हैं तो वो हाई बूटिंग चला जाता है, 500 चला जाएगा, 400 चला जाएगा। फिर कैसे आप बताओगे कि सर इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है, क्या चेक करके लगाएं? तो आपके लिए ये देखिए, हालांकि बहुत पुराना है, ये मेरी बुक में भी डला है, तो एक डाटा सीट मैंने बनाई है। ये मैं आपको नीचे लिंक में नहीं, ये मैं अपने ना जो एप्लीकेशन है एशिया टेलीकॉम का, जो मेरा एप्लीकेशन है आईफोन का, जिसके अंदर मैं आईफोन के कोर्स दे रहा हूँ, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना प्ले स्टोर में जाकर और वहाँ से इसको फ्री में डाउनलोड कर लेना, फ्री मटेरियल के। मैं आपको बता दूंगा कहाँ करना है आखिरी वीडियो में। तो ये आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा इसका, आप इसको अपना भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे मल्टीमीटर से बना जीआर है। अब इसके जीआर और आपके जीआर में फर्क आएगा, क्योंकि क्या पता आप कौन सा मल्टीमीटर यूज कर रहे हो, पर रीडिंग में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 50-60 अंतर ऐसा कुछ आएगा। तो इस चार्ट के हिसाब से हमें सिर्फ एक जीआर निकालना है, जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से निकालना है। देखिए अब हमने क्या किया, बोर्ड को निकाला, इधर दिखाइए। इस जीआर के हिसाब से जैसे हम ये देख लेते हैं, हम पहले बोर्ड को यहाँ रख लेते हैं, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड जूम करना। तो इस जीआर के हिसाब से ये जो लाइन है, ये लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे जूम कर लिया आप? यस सर, जूम कर लो भाई, ये देखे कर लिया। यस सर, अब देखो ये वाली लाइन जैसे 233 दिख रही है आप लोग को उसमें, अब मेरे को हाँ उसको जूम करना। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये 233 है, मतलब आपके जो जी आर एस के साथ मैच करना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे को मिल रहा है कि नहीं होता, नोटिस करो। तो हम अपने मल्टीमीटर में देखेंगे, हम अपने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे यूज कर रहे हैं और देखो मैं यहाँ यूज कर रहा हूं। तो देखिए फिर से देखे, पहले वो दिखाइए मैंने कहाँ रखा जी, यहाँ पे मेरे को 233 करीबन मिलना चाहिए। देखिए अब यहाँ दिखाइए, तो देखो 254 मिल रहा है, दिख रहा है? ओके, तो बस आपको भी ऐसे ही इसी डायोड सीट से चेक करना है आपके जीआर। अगर आपके सारे जीआर ओके ना, तो आपका सीपीयू बैड, आपका सीपीयू ओके, आपका सीपीयू अगर आप रैम सही लगाते हैं। अब आपको रैम को चेक करना है इसके बाद, ठीक है, आप रैम को लगाएंगे, आप रैम को भी उल्टा चेक कर सकते हैं, जैसे 80-80 वाली जगह पे वही रैम की शॉर्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि आपने इतना सीखा होगा कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट जाके, यूट्यूब से देखकर, तो देखो मुझे नहीं लगता आप काम कर रहे होंगे,
क्योंकि YouTube से देख के काम कर रहे हो ना, तो आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप मजाक कर रहे हो अपने साथ। okay. तो आप ये PDF आप ले लेना। कैसे किया, एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा नॉलेज ये आपको बताने के लिए। ये इसका रैम तो मैं लगा लूंगा, उसकी चिंता आप मत करना, बट आपके लिए मैं जितना दे सकता हूँ मैं उससे ज़्यादा देता हूँ। ठीक है, तो चार्ज है इसका? नहीं नहीं, ये तो फ्री है ना, PDF है आईसर टेलीकॉम के आपको। एंड आप नीचे जाके प्ले स्टोर ओपन करो, लिखो एसर टेलीकॉम आईफोन, डाउनलोड करो और उसके अंदर आप देखो तो सबसे आखिरी में आप स्क्रॉल करना, PDF में ये डाला रहेगा, आप इसको डाउनलोड करो। ठीक है, हो सकता है इसमें कहीं मिस्टेक हो, मैं ये नहीं कह सकता कि हम लोग परफेक्ट हैं, आप छोटी छोटी गलतियाँ निकाल सकते हो, आप निकालो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सही करो। ठीक है, हमने इसको बहुत मेहनत से बनाया है और आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। एक चालू फ़ोन का आपको सही CPU जो कि चालू हो रहा है उसका GR लेके, तो ये हमने बहुत पहले, ये हमारा 2 साल पहले ही बन चुका था, 2020 या 2021 में हमने बना लिया था और हमने अपनी बुक में दे रहे थे, पर ये पहली बार है कि हम YouTube में दे रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिया है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, 1 लाख होने वाले हैं उसके भागी बनो। और हमारे क्लासेस के नए लाइव वीडियो आने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि हमारी क्लासेस चालू होने वाली है 28, 29, 30 किसी भी एक दिन चालू हो जाएगी, जिस भी दिन होगी आपको खुद हम सवेरे 7 बजे लाइव मिल जाएंगे, क्योंकि हम एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सवेरे 7 बजे लाइव आता है और रात के 11 बजे तक लाइव रहता है। तो हमें देखिएगा लाइव, हमारे बच्चों को देखिएगा काम करते हुए स्टूडेंट को, जो पहले दिन में कड़क इमेंसी पावर रिवॉल्व करेंगे वन टाइम, वो भी 5-5 बार, रजिस्टर कैपेसिटर का एक नेक्स्ट लेवल पे अनुभव लेके जाएंगे, नेक्स्ट डे डुअल डे कर रिवॉल्व करके जाएंगे, कोई भी CPU यूनिवर्सल से रिवॉल्व करेंगे वो भी 5 बार ताकि कॉन्फिडेंस हो, और MOSFET डायोड और बहुत नेक्स्ट लेवल के कॉम्पोनेंट को सीख के जाएंगे, पूरे PCB का लेआउट और PCB को देखने का नज़रिया चेंज करेंगे, 3 दिन में लाइट पावर, 14 दिन में CPU करेंगे और ये हम करवाएंगे भले ही उनको कुछ ना आता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एसर टेलीकॉम की एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन पे जाके लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर कोर्स की लिस्ट आएगी, स्टोर में जाना है, इस कोर्स की लिस्ट में आपको सारे कोर्स के अंदर ये 6X12 Pro वाले कोर्स के अंदर जाना है। ठीक है, अब आपने, आप अगर इसको उसको परचेस करना चाहें तो ये 20% डिस्काउंट के साथ इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको उसे वो डाउनलोड करना है तो कंटेंट में जाइए और कंटेंट में जाकर सबसे नीचे यहाँ पर आपको ये सैमसंग का 9610 CPU GR का ये डायग्राम मिल जाएगा, ये अभी लॉक है, ये आपके लिए ओपन कर देंगे हम, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये खुल जाएगा। ओके,